सिद्धार्थनगर जिले में इस समय सड़कों पर केले के ठेले जगह जगह लगे देखे जा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यह केले कैसे जहरीले केले बनते हैं। यह देखिए कैसे केले के गुच्छे को गंदे पानी में डुबो कर धोया जा रहा है। इस पानी में केले को पीला करने वाला केमिकल मिलाया गया है, साथ ही बाल धोने वाला शैम्पू भी इस पानी में मिलाया गया है, जिससे केले को चमक आ जाए और बाजार में बेहतरीन दिखने वाले जहरीले केले को खेत खपाई की जा सके। जहरीले केले के व्यापारी इस कदर बेअंदाज हैं कि चलती रोड पर यह सब काला धंधा कर रहे हैं। वहीं इस पर विभागीय अधिकारी जानकारी ना होने की बात कह रहे हैं, जबकि यही अधिकारी इन काला धंधा करने वालों से मोटी रकम लेकर लोगों में जहर बिकवाने में मदद कर रहे हैं। रोड पर लगा करके जो केले बेचे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई से पकाए जा रहे हैं, जो बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। इतना ही नहीं, जब भी त्योहार आता है तो ये केले बहुत सारी मात्रा में फल की दुकान पर, ठेलों पर, चौराहों पर कार्बाइन से पका करके व्यापारी बेचते हैं। शासन प्रशासन इसके लिए मूक दर्शक बना हुआ है। इस केले को खाने से जहां बच्चे से लेकर के बूढ़े तक बीमार बन जाते हैं, वहीं यह पूरी तरह से बीमारियों को दावत दे रहा है। जबकि सरकार या शासन प्रशासन में कार्रवाई बेचना पूरी तरह से बंद है, इसके बावजूद भी खुलेआम कार्रवाई से केले पका करके बेचे जा रहे हैं। फलों में विशेषकर केले के संदर्भ में जो है, आज के जो है 5-6 साल पहले इसको फोन में जो पकाते थे तो उसमें दवाई की गई थी, लेकिन अब जो है जो हमारा दुकानदार है, फल विक्रेता है, अब थोड़ा सा उसको जागरूक किया जा रहा है। वो आइस से पकाए हुए केले को मार्केट में बेच रहा है। अगर कहीं ऐसी जानकारी मिलती है कि केमिकल से कहीं पकाया जा रहा है तो उस पर दवाई की जाएगी।